दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो लोगों के मन में हजारों सवाल छोड़ गए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु स्वर। सुशांत के निधन का सबसे ज्यादा असर अगर किसी की जिंदगी पर पड़ा तो वो थी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। सुशांत के निधन ने रिया की जिंदगी रातों रात बदल दी, लेकिन अब रिया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया से दूर है। वो किसी भी इवेंट में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो रोडीज फिल्म राजीव लक्ष्मण के साथ पार्टी करती हुई नजर आई है। दरअसल राजीव हाल ही में दोस्तों के साथ एंजॉय करते नजर आए, इस दौरान रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ थी। राजीव ने रिया के साथ एक फोटो भी शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस ने उन्हें हग किया हुआ और स्माइल करते हुए कैमरे की तरफ देख रहे। राजीव ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, माय गर्ल। रिया की ये फोटो देखकर लग रहा है कि बीते साल को वो एक बुरा सपना मानकर इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल रिया बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। वो फिल्म चेहरे से वापसी करेंगी। इसी के साथ ही रिया के करीबी दोस्त रूमी जाफरी उनके सपोर्ट में आए। रूमी जाफरी ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में रिया की वापसी के बारे में बात की थी। उन्होंने अब कहा है कि रिया जल्द ही इन सबसे बाहर आ जाएंगी। उनके मुताबिक रिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और जल्द ही वो बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। रिया के केस में बॉलीवुड के दो गुटों में बढ़ जाने पर रूमी जाफरी ने कहा कि लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय बना ली है। अभी हमें न्यायपालिका को अपना फैसला देने के लिए इंतजार करना चाहिए और रिया को भी निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। फिल्म निर्माता ने ये भी कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है जिन्होंने तब उनका समर्थन किया था। आपको बता दें, सुशांत के निधन से पहले रूमी जाफरी रिया और एक्टर के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे थे। दोनों जल्द ही एक प्रोजेक्ट में साथ में नजर आने वाले थे जिसकी शूटिंग साल 2020 में शुरू होनी थी। उन्होंने कहा कि पिछला साल इतना खराब गया कि वो फिल्म के बारे में सोच ही नहीं पाए। अब सुशांत और रिया को एक साथ एक ही फिल्म में कास्ट करने का सपना तो उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन रिया बड़े पर्दे पर कमबैक करने के लिए जरूर तैयार है। दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत की दो बहनों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस बेंच ने सुशांत को लेकर बात करते हुए कहा कि एक्टर के चेहरे से पता लगता है कि वो कितने सोबर, मासूम और एक बेहतरीन इंसान थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की सुशांत की बहनों के खिलाफ शिकायत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पार्टियों को अपना लिखित जवाब एक हफ्ते में दाखिल करने का भी आदेश दिया। रिया की जिंदगी बेशक अब धीरे धीरे पहले जैसी होने लगी, लेकिन अब तक सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। हालांकि लोगों को आज भी न्यायपालिका से जल्द इंसाफ की उम्मीद है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।